खबर शामिल करते हैं लाला मसा से। इशफाक सदीकी की रिपोर्ट के मुताबिक, मुझे अपने ज़िला के साथ प्यार है, इसलिए यहीं पर तैनात रहना चाहता हूँ। थाना सिटी लाला मसा में ड्यूटी सर अंजाम देने वाले SHO बादशाह ने अपने ज़िला गुजरात से दूसरे ज़िला में बतौर SHO तैनाती होने को ठुकरा दिया और अपने ही ज़िला में बतौर इंचार्ज चौकी ठल वंगिश तैनाती होने को तरजीह देते हुए कहा कि ज़िला गुजरात का रिहायशी हूँ, लाला मसा शहर में पला बड़ा हूँ और इसी शहर में तालीम हासिल की है। अपनी महकमाना ड्यूटी का ज़्यादा दौर भी अपने ज़िला गुजरात में तैनात रहा। उन्होंने सिटी लाला मसा से अलविदा होते वक्त मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुझे इस टेन्योर में महकमा के साथ साथ लाला मसा के ताजरों, समाजी मजहबी ग्रुपों के अलावा अवाम का भी तआवुन रहा। इसी वजह से अभी मुहर्रम अल हराम का महीना भी खैर वाफियत से रवां दवा है। उन्होंने कहा, मुझे ज़िला और अपने शहरों से बहुत लगाव है, इसीलिए अपने महकमा की तरफ से ज़िला बद्री पर बतौर SHO तैनाती को तरजीह देने की बजाय अपने ही ज़िला में चौकी इंचार्ज ढल बंगश बनने पर खुशी का इजहार किया। थाना सिटी लाला मसा से SHO सैयद अब्बास शाह के अलविदा के मौके पर तमाम अफसरान और दीगर अमला के रिक्कत आमेज मनाजर देखने में आए, जिससे ये साफ जाहिर हो रहा था कि अब्बास शाह का अमला के साथ तैनाती के दौरान रवैया यकीनी तौर पर शफकत भरा रहा होगा।